हेलो यस मैम। ऑडिबल। चलो सैम्पलिंग पढ़े थे तुम लोग? सैम्पलिंग लास्ट डे पढ़े थे तुम लोग? उनका गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करिए सब लोग, एवरीवन। मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। टेक केयर ऑफ इट। गुड मॉर्निंग। चलो कैमरा ऑन करो सब लोग। सब लोग करो। तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। सैम्पलिंग का मतलब यस क्या और कौन कौन सा सैम्पलिंग कब यूजफुल है, इसको थोड़ा कोशिश किए थे स्टडी करने का दोबारा से। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम कब लेते हैं, या फिर स्ट्रेटिफाइड कब यूज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन कर रहे थे या फिर डिपार्टमेंट वाइज, तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा सुटेबल कब होगा? कोई ड्रॉबैक बता सकते हो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का? मैंने उस दिन बहुत सारा बताया था लास्ट क्लास में, सो ड्रॉबैक बताइए जरा मुझे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। भास्कर, कृष्णा, बोलो। बोलो ड्रॉबैक ही पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में तो हम पूछ नहीं रहे। ठीक है, इसके लिए भी रिसर्च करना पड़ेगा क्या ड्रॉबैक बताने के लिए? रोहित, रोहित बता सकता है। रोहित उस दिन ऑफलाइन क्लास में था। हम लोग लंबा चौड़ा डिस्कशन दो दो क्लास में पूरे किए हैं। सैंपल सर्वे क्या है, सैंपलिंग क्या है ना रोहित? टेल यस मैम। मी प्लीज, देन यस मैम। बताइए क्या है। अच्छा कोई ऐसा कंडीशन बताओ जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं कर सकते हैं, व्हेन इट इज नॉट यूजफुल। सोनल, एक क्वेश्चन पूछो, पूरा का पूरा क्लास रिसर्चर बन जाता है। यस बताइए बताइए क्या है ड्रॉबैक ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और द कंडीशन इन विच सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कांट बी यूज्ड। श्रेया, बोलिए। कैमरा ऑन करिए। पूजा, सिन्हा, आदित्य, एवरीवन। बोलो सोनल, जो समझ में आता है बोलो। गलत बोलोगे तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, फांसी का सजा नहीं मिलने वाला है। जो है दिमाग में बोलो, जो समझ में आया बोलो। ड्रॉबैक ऑफ सैम्पलिंग हाँ, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है सीरियसली? वाह, अच्छा अभी तक तुम लोगों के भी दिमाग में कुछ नहीं आया है? अच्छा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बायसनेस पॉसिबल है क्या? सत्यम, बायसनेस पॉसिबल है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में? यस मैम। है पॉसिबल? कैसे बता पाओगे? तुम लोग तो पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी का थ्योरी ही पलट के रख दोगे। नो सिंपल रैंडिंग में नहीं, सिंपल रैंडिंग सिंपल रैंडम में तो मैम थोड़ा सा ही लेते हैं,
सैंपल लिया उसको फिर मिक्स करके कर दिया तो उसमें बायसनेस पॉसिबल नहीं है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉटरी मेथड, जिसमें आप चिट में पूरा नाम लिख के रोल नंबर, जैसे पूरे क्लास का अगर हम लिख के रख देते हैं एक बाउल में और उसको वेल शफल करते हैं, पूरे में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसमें से किसी एक चिट को निकाला जाता है, उस पर जिसका भी नाम होगा उस पर ही हमारा जो विनिंग कैंडिडेट है वैसे अगर डिसाइड किया जा रहा है, तो फिर क्या यहाँ पे बायसनेस हो रहा है? नो मैम, क्योंकि सबका चिट एक जैसा है, सबका रोल नंबर जो लिखा है वो सब दिखाई तो हमें दे नहीं रहा है, पूरे को बेल सफल कर दिए, मतलब रोल नंबर 1 2 3 4 अगर हम काउंट कर रहे हैं रख भी रहे थे तो मिक्स कर दिए बाद में, तो वो क्या हो गया, सब मिक्स हो गया। ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 1 है वो सबसे पहले सबसे नीचे होगा, रोल नंबर 30 31 है वो सबसे ऊपर होगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपने मिक्स कर दिया अच्छे से। जब मिक्स करके आप उसमें से रैंडमली कोई सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बायसनेस नहीं होता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का सबसे अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा यूजफुल है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो रीजन यही है कि ये अनबायस्ड होता है। जैसे लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो बायस नहीं होगा मैम? ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो वो अनबायस्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था अगर स्कूल में एग्जामिनेशन का जो आया था, पहले बीच में टेस्ट लेते थे, जब एग्जामिनेशन इंटरव्यू पेरेंट्स का स्टूडेंट्स का, उसके बाद एडमिशन लेते थे, बाद में क्या आया था लॉटरी मेथड आया था, जैसे स्कूल में आया था ना एडमिशन के लिए, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता था और ये माना जाता था कि बायस्ड होते हैं जो एडमिशन लेते हैं, उन लोगों का एडमिशन होता है जिनके पास बहुत पैसे है, जिनके पास पूरा मिलेगा कंडीशन ऐसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, बहुत पैसे है, रिसोर्स है कुछ उस तरह का, तब आपको एडमिशन मिलता था, ऐसा सुनने में आया था। तो बाद में क्या हुआ, उसको लॉटरी से कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया गया। तो अब लॉटरी सिस्टम में क्या हुआ, जो मान लो कोई ऐसे लोग हो जो बहुत लोअर लेवल का इनकम ग्रुप हो जिनका, उसका भी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी होने की आपकी है, क्योंकि वही किया गया है, सबका नेम रोल नंबर ऐसा मेंशन करके चिट बना दिया गया, एक बाउल में रख दिया गया, उसी तरह से मिक्स करके मर्ज करके उसके बाद एक कोई चिट निकाला गया, या फिर 10 20 50 100 जो भी सीट है अवेलेबल उतना निकाला गया चिट से, उसका सिलेक्शन हुआ, यही किया गया ना। तो अब यहाँ पे बायस्ड होगा क्या, किस बेसिस पे बोलोगे कि बायसनेस हुआ है, नहीं होगा ना, क्योंकि सबका चिट है, अब रैंडमली सेलेक्ट किया गया, जिसका भी सिलेक्शन हो गया वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो बायसनेस नहीं है। यहाँ पे नहीं बोला जा सकता ना जिसका कांटेक्ट है उसका एडमिशन हुआ है उसमें, वो उसके भी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी वही है जो बहुत कम जिसका इनकम ग्रुप हो, या फिर जिसके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, या फिर कुछ भी जो जो जिसकी वजह से ये सब आया था, सारा रीजन था उसमें। अब उसके बाद जो बाद में जो पहले तरीका था जो उसमें ये भी हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऐसा भी हो गया हो जिसको जो जिसने कुछ पढ़ा भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट ही का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। तो बायसनेस नहीं हो रहा है किसमें, सिलेक्शन के प्रोसेस में, सबके सिलेक्शन होने के चांसेस इक्वल है, कहां से बायसनेस बोलोगे कि तुम हो रहा है क्या? लेकिन तो 2 लाख 4 लाख 50 लाख स्टूडेंट है, मतलब पूरा एक कमरा चिट से भरा हुआ है, उतने लोग हैं। अब यहाँ पे क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उस तरह से चिट बाउल मिक्स करके लिखा जाए, नाम लिख के उतना चिट बनाओ और वो सारा जो चिट्स आप बना रहे हैं और उसमें जो नेम्स लिख रहे हैं सारा पेपर साइज सब कुछ होमोजीनियस हो, मतलब एक जैसा हो, सारे चिट पे जो नाम लिखा गया है, जिस तरह का पेपर इस्तेमाल किया गया है, कलर सब कुछ एक जैसा हो, शेप साइज सब कुछ ऐसा हो सकता है, वो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो फिर बायसनेस और ये सब बात की आप कहाँ से बात ही कर रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में वो फिजिबल ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं किया जाता। तो इसका एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं, फिर कंडीशन जिसमें इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज, बहुत ज्यादा अगर सैंपल साइज है, बहुत ज्यादा है, तो फिर आप उस केस में पूरे पॉपुलेशन का उस तरह से नेम चिट नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते तो फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। है पॉसिबल, बोलो, कुछ लोगों का किया जा सकता है ना, जैसे मैंने कहा भी था कि एक पूरे
कमरे में मान लो सिर्फ चिट्ठी भरा हुआ है, आप किसी एक कॉर्नर में गए और वहां से सिलेक्शन करना शुरू कर दिए, पूरे सब सारा में राउंड भी नहीं मार रहे हो, सबको सफल करके देख के मिस कर उसमें ले ही नहीं रहे हो। जब जैसे एक बाउल में होता है तो आप उसको सफल करके कुछ भी एक चीज दो चार अपना टाइम लेके कोई भी एक निकालिए कर सकते हैं, लेकिन उस केस में तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये डिसएडवांटेज नहीं हुआ सिंपल रैंडम सैंपलिंग का? आयुषी, पल्लवी, विशाल, आकृति, पूजा कैमरा ऑन करो। मैम मोबाइल का बैटरी लो हो गया, ऑफ हो गया, इसलिए कैमरा ऑफ हो गया। मैम ठीक है, और बाकी लोगों का क्या है? सबका वही कंडीशन तो नहीं होगा? विशाल कैमरा ऑन करो, आकृति ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तो क्या इतना बाहर डाउट? है, हाँ तो बाहर बैठ के तुम क्लास कर रहे हो, खाना पूर्ति कर रहे हैं बैठ के, बताइए जल्दी से, समझ आया ये चीज? तो पॉजिटिव यस पॉइंट मैम। क्या हुआ? सैंपल सर्वे का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, किस वजह से किया जाता है और करने का मोटिव क्या होता है, बताओ। बिकॉज इट इज अनबायस्ड, कम इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द परसेंटेज साइज, जो भी बोल रहे हो, पूरे पॉपुलेशन को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, मैम जब कम रहेगा तभी ना। तो ज्यादा रहेगा तो करेंगे ही नहीं ना भास्कर, क्या? क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैम कितना रहेगा कि हम करेंगे, या कितना नहीं रहेगा कि नहीं करेंगे मैम? तो वो तुम्हारे जजमेंट के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, कब तुमको करना है नहीं करना है, बहुत सारा फैक्टर्स है ना। कभी कभी ये भी हो सकता है तुम अलग अलग बाउल्स के अलग अलग कैटेगरीज, जैसे रोल नंबर वाइज, अगर मान लो 500 स्टूडेंट्स है तो भी आप कर सकते हैं। एक बाउल में 1 to 100 रखिए, सेकेंड में 100 to 200 डालिए, 100 1 to 200, इस तरह से थ्री अलग बाउल्स में अलग अलग लोगों को सिलेक्शन के लिए किया जा सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको डिसीजन कैसा लेना है, कितनी एक्यूरेसी चाहिए और कितना टाइम रिसोर्स क्या है आपके पास। मान लिया जाए मैम चावल लेंगे, 500 चावल जो होता है। हाँ तो 500 चावल के लिए ना कभी भी वैसा सैंपल नहीं लिया जाता, उसके लिए एक और तरीका है, रैंडम नंबर टेबल होता है। ठीक है, लॉटरी मेथड ही नहीं होता है, रैंडम नंबर टेबल होता है। तो रैंडम नंबर टेबल ले लो, रैंडम सेलेक्शन के लिए रैंडम नंबर टेबल भी का भी इस्तेमाल किया जाता है। रैंडम नंबर टेबल का जो थ्योरी है वो इस बात पे डिपेंड करता है, जैसे आपको पता है जितना भी नंबर्स बना है वो 0 से लेके 9 डिजिट तक से बना है, पता है? 0 से लेके 9 यस तक का, जब मैम आप किसके पास जाते हो जो भी रिपीटेड टर्म्स आते हैं वो भी उसी फ्रीक्वेंसी में आएगा, जैसे आप 1 के बाद 11 आएगा, 21 आ रहा है, ये सारे नंबर्स क्या है, जो रिपीटेशन भी नंबर्स का होता है उसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है। इस थ्योरी पे के बेसिस पे एक और तरीका है, एक टेबल डिफाइन किया गया है जिसको रैंडम नंबर टेबल कहा जाता है, और रैंडम नंबर टेबल के हेल्प से आप रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर सैंपल्स सपोज 4,000 कैंडिडेट्स है, 1 लाख कैंडिडेट्स है, तो उसके लिए डिजिट्स काउंट करो, कितने डिजिट्स होते हैं, 1 लाख में कितना जीरो होता है, कितना वन होता है, क्या होता है टोटल नंबर, चलो बताओ। ये पांच कितना जीरो होता है? जीरो 5 जीरो होता है पांच और 1 भी होता है ना, यस तो डिजिट्स कितने हुए? वन भी होता है मैम शायद मैम सिक्स सिक्स 6 डिजिट होता है। अगर 6 डिजिट होता है तो इस 6 डिजिट के बाद और भी जो इसके बाद कंटिन्यूएशन में आएगा, 1 2 3 4 काउंट करोगे, सारे 6 डिजिट का पूरे नंबर्स का एक टेबल तुमको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें सारे नंबर्स 6 डिजिट वाले लिखे होंगे। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, उस डिजिट के बेसिस पे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कभी कभी 6 डिजिट का आपको सिलेक्शन करना है तो उसके लास्ट 4 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को इस तरह से आप सिलेक्शन करिए, जैसे लास्ट में 0 0 है तो रैंडम नंबर टेबल में तुमको 0 0 लिखा हुआ मिल जाएगा, 0 1 0 2, इस तरह से टेबल बनाया रहेगा। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, फिर इसी तरह वर्टिकल लाइन बनता चला जाएगा। अब उसमें से क्या करते हो तुम, रैंडम सिलेक्शन किसी भी रो का, किसी भी कॉलम का बना सकते हो। लाइक ऐसे होता है, एक सेकेंड रुको, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ
अगर आपको 6 डिजिट का भी लेना है वो भी रैंडम नंबर में मिल जाएगा, 4 डिजिट का है वो भी मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो लास्ट 2 डिजिट मान लो 00 है, इस तरह से यहाँ 01 लिखा है, इस तरह से 02 लिखा है, ठीक है। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना, इसी तरह से यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स भी रहेगा। अब आप क्या करेंगे, जब आपको रैंडम सिलेक्शन करना है तो सपोज 10 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना है तो यहाँ से लेके 10 कैंडिडेट्स का इस तरह से सिलेक्शन इस तरह से कर लो, या फिर इस तरह से 10 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर लो। अब इसमें 01 02 जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन सब का सिलेक्शन करते चले जाओ, तुम्हारे शीट में जितने थे, जितना भी तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, रोल नंबर 1 लाख 1 होगा, 1 लाख 2 होगा, 1 लाख 3 होगा, तो इस तरह से काउंट करते चले जाओ, 00 01 02 इस तरह से काउंट करते चले जाओगे, सिलेक्शन लेते चले जाओ, मिल जाएगा तुम्हारे पास। इस तरह से रो सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायगोनली इसको सेलेक्ट कर सकते हो, रैंडमली जहां तहां से नहीं लोगे कि मतलब हुआ एक यहाँ से ले लिए दूसरा यहाँ से ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते है। रैंडम सेलेक्शन होगा, लेकिन उस रैंडम सेलेक्शन का भी प्रोसेस है, आइदर आप रैंडम रो ले, रैंडम कॉलम ले, या फिर रैंडम डायगोनल ले, ठीक है। अब उस तरह से जब सिलेक्शन करोगे, ये तब होता है जब बहुत ज्यादा लार्ज सैंपल्स हो हमारे पास, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, ज्यादा पॉपुलेशन होता है तो हम रैंडम नंबर उतना चिट नहीं बनाते, लॉटरी मेथड पे नहीं जाते, रैंडम नंबर टेबल मेथड पे आ जाते हैं, ठीक है। वो टेबल डिजाइंड है, जैसे लॉग टेबल देखे होंगे ना, सुने कभी लॉग टेबल है? Yes. उसी तरह से रैंडम नंबर टेबल भी होता है, वो पहले से बनाया हुआ है, उसी के बेसिस पे डिसीजन हो गया, और वो इसी थ्योरी पे बनाया हुआ है कि ईच द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी नंबर इज इक्वल। एक नंबर जो है वही रिपीटेडली जो अकर होता है, दूसरे नंबर के भी रिपीटेशन के वही चांसेस है, इसलिए वो उसी के बेसिस पे बनाया गया, इसी थ्योरी के बेसिस पे रैंडम नंबर टेबल बनाते हैं, जो हमें हेल्प करता है सैंपल सर्वे के सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड को अप्लाई करने में, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके देन, सो सेंसस सैंपल सब बता चुके हैं, ये सारा कंडीशन कब इस्तेमाल होता है, सैंपल कब अप्रोप्रिएट होता है, सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज लार्ज हो तो तुम सैंपल ले सकते हो, अगर स्मॉल हो तो पूरा ही पॉपुलेशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम और कॉस्ट जो है वो ज्यादा आप लगाने वाले हैं, बहुत ज्यादा लगने वाला है तो आप सैंपल का स्टडी कर लेंगे, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कर सकते, कभी कभी ये है, और कभी कभी ये भी होता है कि आप पूरे पॉपुलेशन को स्टडी कर ही नहीं सकते, जिसका मैंने एग्जांपल ये भी दिया था, आपको अगर एक बोरी चावल खरीदना है तो एक एक चावल तो देख नहीं सकते हो, और एक ही बोरी खरीदना है तो फिर सोचो थोड़ा देख भी लो, 10 20 50 100 खरीदना है तो क्या देखोगे एक एक चावल? नहीं देख सकते हो, तुम क्या करोगे, थोड़ा ही सैंपल ही देखते हो ना, वही चीज है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना। समटाइम्स ऑप्शन होता है कि आप पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता, रिसोर्स नहीं होता, कभी कभी आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, बॉम्ब बना रहे हैं अगर तो सारे बॉम्ब को ट्रायल करके ही टेस्ट कर लेंगे तो फिर एक्चुअल वर्ल्ड में क्या इस्तेमाल होगा, कुछ नहीं बचेगा, आप बताइएगा क्या, मैंने तो सारा टेस्ट ही करके खत्म कर दिया था, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करें, एक एक बॉम्ब को चेक करें, तो एक्चुअल वर्ल्ड में क्या इस्तेमाल करोगे, कुछ नहीं रहेगा ना आपके पास, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, आप सैंपल ही स्टडी कर सकते हैं। समटाइम्स आप पॉपुलेशन भी स्टडी कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारा फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप पॉपुलेशन स्टडी नहीं कर सकते, और समटाइम्स आपके पास ऑप्शन ही नहीं है पॉपुलेशन को स्टडी करने का। तो सैंपलिंग प्रोसेस में ये सारे टर्म्स थे, डिफाइनिंग अ पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई सैंपलिंग फ्रेम, स्पेसिफाई सैंपलिंग यूनिट, सिलेक्शन का मेथड कौन सा होगा, सैंपलिंग मेथड सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगा, स्टेटिफाई होगा, सिस्टमैटिक होगा, बहुत सारे सैंपलिंग मेथड्स है। डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, मैंने ये भी बताया था, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज क्या होता है, जनरली हम लोग 1/10 ऑफ द सैंपल लेते हैं, लेकिन समटाइम्स वो भी जरूरी नहीं होता, उससे कम भी लिया जा सकता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी लिया जा सकता है, बट स्टैंडर्ड अगर बोलते हो दैट इज 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। 1/10 अगर आप पॉपुलेशन लेते हो, मतलब अगर 100 में अगर 10 सैंपलिंग यूनिट ले रहे हैं और उसका सैंपल्स का आप स्टडी कर रहे हैं,
तो वो माना जाएगा कि वो सही है, लेकिन कभी कभी उसकी जरूरत भी नहीं होती। जैसे डिस्ट्रक्टिव नेचर का जो था, जैसे बॉम्ब वाला मैंने बताया था, वही चीज है। अगर 100 बॉम्ब बनाया जाता है तो उसमें टेस्ट 1 या 2 का किया जाएगा, 10 का नहीं किया जाएगा, जरूरत ही नहीं है ना। तो वहां पे सैम्पलिंग साइज कम कर लिया आपने। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पलिंग साइज भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि आपको सैम्पल साइज कितना लेना है, जो आप पॉपुलेशन के बारे में कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट आइडिया गेन कर पाए। ठीक है, तो ये कम या ज्यादा हो सकता है, बट स्टैंडर्ड मान के चलो कुछ नहीं पता है तो 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन लोगे। ठीक है, सैंपलिंग प्लान क्या होगा ये, और सिलेक्शन ऑफ द सैंपल कैसे करोगे। तो इसके देखो इसी सारे स्टेप्स को, ये आपका 7 सैंपलिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो इसी का डिटेल में हमें स्टडी करना था, और इसके पहले वाला मैंने सारा टर्म्स बता दिया था। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सैंपलिंग तभी लिया जा सकता है जब पॉपुलेशन होमोजीनियस हो। पॉपुलेशन अगर हेट्रोजीनियस होगा तो हम नहीं ले सकते सैंपल, सबका अलग अलग नेचर है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। होमोजीनियस होने का मतलब देयर इज अ लेस वेरिएशन। वेरिएशन टर्म याद है, वेरियंस पढ़े थे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े थे, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़े थे ना, दैट ऑल आर द मेजर ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन था ना। तो ज्यादा डिस्पर्शन नहीं होगा अगर स्मॉल वेरियंस है, वेरी लो वेरियंस है, देन वी कैन से द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो जाएगा, और उसको मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही डिफाइन करना। ठीक है, सो इफ वेरिएशन इज लेस देन द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, इफ वेरिएशन इज लार्ज द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसी को हम लोग एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। जस्ट अ मिनट, विजिबल है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, चलो देखो, डिफाइन द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, मान लो किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपको गेन करना है तो किस चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गेन करना है ये पता होना चाहिए। बताओ, ये पता होना चाहिए या नहीं? Yes, ma'am. जैसे मान लो कोई एक टर्म बताओ जिसके बारे में तुमको स्टडी करना है, कुछ भी जो आपको समझ में आता है, आप अपने लेवल के का एग्जांपल लीजिए, कुछ भी जो आपको स्टडी करना है, यहाँ से शुरू करना है स्टडी, रिसर्च का कुछ, मान लो कोई भी टॉपिक जो तुम स्टडी करने वाले हो, जैसे तुम कंक्लूजन निकालना चाहते हो जिसके बारे में, कुछ भी बताओ। बताओ, कब बताओगे तुम लोग? आइडिया ही नहीं आ रहा है। तुम लोग प्रेजेंटेशन बनाए थे उसी का आइडिया तो मुझे आ गया, तुम्हारे एग्जांपल के हिसाब से डावर का प्रोडक्ट। यस मैम। चलो, डावर कंपनी के बारे में स्टडी करना है तो डावर का सारा प्रोडक्ट, उसका एलिमेंट्स होगा। उस एलिमेंट से सैंपलिंग यूनिट्स क्या होंगे जिसका सिलेक्शन तुम करोगे, उसमें उसके कितने प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में आप जानते हैं? 5-10 के बारे में तो जानते ही होंगे। तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ डावर इज द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। ठीक है, सैंपलिंग यूनिट वो होगा जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ये भी पढ़ के तुम लोग बता देते क्या है। इफ यू आर मॉनिटरिंग सेल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाई अ कंपनी, then जो कंपनी का प्रोडक्ट है दैट इज द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, समझ आ गया? ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। दूसरा है सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग यूनिट क्या है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा, जहां से आप सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। सैंपल्स कहाँ से कलेक्ट करेंगे? शॉप से,
मार्केट से, सुपरमार्केट से करो, रिटेल आउटलेट से करो, होलसेल से करो, जहां से भी करो, ये सब तुम्हारा चॉइस होता है, ये हमारा चॉइस नहीं है, ठीक है। और इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन डिफाइन नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कितना इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना प्रिसाइज रिजल्ट आप चाहते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सटेंट वर्ड जो यहाँ लिखा है वो कहीं रेफर करता है कि किस एरिया के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, मतलब जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है। अगर तुम बिहार में डावर के प्रोडक्ट के सेल्स की बात कर रहे हो तो बिहार का जो भी रीजन है वो सारा का सारा एक्सटेंट हो गया जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ टाइम इम्पोर्टेंट है, तो आप किस समय कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसका सेल ज्यादा होता है, कभी कम हो जाता है, ऐसा होता है या नहीं होता है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट सेल के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितना टाइम आप दे सकते हो, एक महीने का समय दे सकते हो, एक साल का करने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो टाइम देखना है, ठीक है। और वो टाइम अप्रोप्रिएट है या नहीं उसको जज करने का भी अपना अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कैमरा ऑन करो तो सब लोग, फिर से कैमरा बंद हो गया तुम लोगों का, इसीलिए तो समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन पूछेंगे बस सब मम। मास्टर कैमरा ऑन करो, पल्लवी का क्या हो रहा है, ये कौन सा कैमरा ऑन कर रहे हो, आकृति, श्रेया, आदित्य, चलो बताओ क्या होगा, समझ आ रहा है ये चीज। एक्सटेंट टाइम क्या है, एक एक टर्म का मतलब समझना जरूरी है। सैम्पलिंग यूनिट वो होगा जहां से आप सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्स होगा ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर डावर कंपनी की बात कर रहे हैं तो डावर का जितना भी प्रोडक्ट है सब उसका एलिमेंट हो गया। सैम्पलिंग यूनिट वो सारे शॉप्स, सुपरमार्केट, होलसेल, रिटेल जो शॉप ले लो सब उसका सैम्पलिंग यूनिट होगा। एक्सटेंट होगा किस एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप टावर कंपनी बहुत जगह है, आप किस एरिया की बात कर रहे हैं, पटना में देखना चाहते हैं, पूरे बिहार में देखना चाहते हैं, पूरे इंडिया में देखना चाहते हैं, तो ये जो डिपेंड करता है वो जियोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरे केस में है टाइम, तो टाइम डिपेंड करता है आप टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर टाइम में स्टडी कर रहे हैं, दोनों ही यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप कितना टाइम टोटल देने वाले हैं और किस समय कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है किसी पर्टिकुलर सीजन में, जैसे हम इसके बारे में तो नहीं बोल सकते, जैसे क्लॉथ्स के बारे में, कॉटन क्लॉथ का सेल आप क्या देखते हो, समर सीजन में ज्यादा होता है, वुलन क्लॉथ का सेल क्या होता है, विंटर में ज्यादा होता है, तो कभी कभी इस पे भी डिपेंड करता है। तो टाइम में दोनों ही स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है सैम्पलिंग प्रोसेस का जो दूसरा स्टेप है वो बताता है, एक मिनट, क्या है, आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम। सो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ये क्या हो सकता है, फ्रेम वर्ड कब इस्तेमाल होता है पता है, कोई भी फ्रेम, हाँ फ्रेम वर्ड कब इस्तेमाल होता है मैम, जब जब एक जगह करना हो मैम, और कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रेमिंग वर्ड जो यहाँ पे आता है वो रेफरेंस पॉइंट, आप क्या ले रहे हैं, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो सैम्पलिंग फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में तुम स्टडी करने वाले हो वो चीज देखोगे। जैसे मान लो तुमको इस एरिया में जो इम्पोर्टेंट टेलीफोन डायरेक्टरी, पता नहीं आप लोग देखे भी होंगे या नहीं, लेकिन अगर आपको किसी एक सिटी के सारे लोगों का नंबर चाहिए जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है, जो बहुत पहले से है डायरेक्टरी में जो लिखा हुआ होगा, तो एज अ रेफरेंस पटना में अगर आपको किसी को कॉन्टेक्ट करना है तो आपको टेलीफोन डायरेक्टरी मिल जाएगा जिससे आप सबको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं,
लेकिन उसमें सबका नंबर नहीं होगा, बहुत लोगों का नहीं भी होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का होगा। जैसे मान लो आप ये देख सकते हैं कि अगर पटना में कितने पेट्रोल पंप्स है, ठीक है, सारा पेट्रोल पंप हो सकता है तुम नहीं जानते हो सकता है ना, नहीं जानते हो, तो आप क्या करेंगे? जो जो आपको दिखा है या फिर किसी से पूछ रहे हैं या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस सर्वे करिए, लिटरेचर रिव्यू करिए, जो भी करिए, उससे क्या मिलेगा? जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किया है उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे और उसके हिसाब से उसको लोकेलिटी वाइज डिवाइड करो, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट आप ले रहे हैं, जिसके रेफरेंस में इतना कुछ स्टडी करने वाले हैं, वो फ्रेम डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा है सैम्पलिंग यूनिट स्पेसिफाई करना। तो इतने सारे पेट्रोल पंप है, जैसे मान लो पेट्रोल पंप का ही सेल पटना में क्या है वो जानना चाहते हो तुम, ठीक है, तो सारे पेट्रोल पंप्स के पास जाओगे अगर पूरा पॉपुलेशन स्टडी करते हो तो। एक सेकेंड, किसके तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? ठीक है, ये कर सकते हो, पूरा हिता पूरा पेट्रोल पंप जितना भी है सबके बारे में आप देखिए। तो जब सबके बारे में स्टडी कर लेंगे देन वो पॉपुलेशन स्टडी हो गया, सैंपल स्टडी तो हुआ नहीं। लेकिन मान लो मैंने कहा 15 दिन में पूरा पढ़ के पूरा रिसर्च करके मुझे रिपोर्ट दो, लेकिन 15 दिन में आपसे ये पॉसिबल नहीं है कि हर पेट्रोल पंप पे जाके आप उसका पूरा रिकॉर्ड लें करें, नहीं पॉसिबल है। तो क्या करोगे? रैंडम सेलेक्शन करोगे कुछ पेट्रोल पंप्स का, अलग अलग एरिया से कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स का सिलेक्शन करोगे, उसका एक दिन का सेल देखोगे, कर सकते हो। तो आपने जिन जिन पेट्रोल पंप्स का सिलेक्शन किया है वो सैम्पलिंग यूनिट होगा, लेकिन यहाँ पे एक टर्म लिखा है स्पेसिफाई द सैम्पलिंग यूनिट। तो आपने जो पेट्रोल पंप सिलेक्शन किया है आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने वो क्यों किया है, ठीक है। सिलेक्शन आपने रैंडम किया है तो क्यों सिलेक्शन किया है, या क्या ये सिर्फ उसी मेथड पे बेसिस है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में रैंडम नंबर मेथड से सिलेक्शन किया है, या फिर आप उसको लोकेलिटी वाइज डिवाइड करके ले रहे हैं। कुछ पेट्रोल पंप ले लो बोरिंग रोड का, कुछ सिटी के एरिया का ले लो, किस तरह से डिवाइड कर, कंकड़बाग का ले लो, कहाँ से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, ये भी स्पेसिफाई करना पड़ सकता है। तो ये आप करेंगे, यही होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन सैम्पलिंग यूनिट में यहाँ पे एक ये भी चीज है, इसमें आपको लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल सैंपल्स होगा, ये पूरा लिस्ट होगा। इस लिस्ट में से आप जिसका सिलेक्शन करेंगे वो सिलेक्शन मेथड होगा। आप ये कौन सा सैम्पलिंग मेथड से ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ले रहे हैं तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ले रहे हैं तो वो ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। बाद में उसमें भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है, आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों लिया है। कभी कभी वो लिया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड है, आप उसको एक्सप्लेनेशन में देना पड़ेगा कि आपने क्यों लिया है। बट हमेशा रिलायबल मेथड अगर बात करें तो वो हमेशा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही मेथड हो सकता है रिलायबल, जिसमें प्रोबेबिलिटी हो सारे के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, जिसमें सबसे बेस्ट मेथड जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा, क्योंकि उस केस में ईच एंड एवरी यूनिट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, और चूंकि वो इक्वल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है दैट्स व्हाई दैट इज अनबायस्ड, ठीक है, समझ आया। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर आप लेते हैं देन दैट इज द बेस्ट वे टू कंक्लूड। तुमने कुछ क्राइटेरिया कंडीशन क्या है नहीं है नहीं देखा, सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि तुम्हारे आस पास में वो मिल रहा है, तुम बस उसका सिलेक्शन करके उसके बेसिस पे पूरे पटना का एस्टिमेट कर रहे हो सेल, नॉन प्रोबेबिलिटी। या फिर आप पांच चार पांच लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो चार पांच सब अपने पड़ोस से ले लिए, कहीं कोई लिस्ट अप नहीं किए हैं प्रोबेबिलिटी का, कौन कौन सा सैंपल, कितने पेट्रोल पंप्स थे, कितना अगर स्कूल का डेटा लेना है तो टोटल कितना स्कूल है, अलग अलग लेवल का क्या क्या स्कूल है, उसका डेटा आपने सिलेक्शन नहीं किया, कोई मेथड कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं लिया आपने, बस अपनी मर्जी से हमको ये अवेलेबल था तो हम ये देख लेंगे, बस बात खत्म। तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। आपको आसपास दिख रहा है बोरिंग रोड का एरिया में रह रहे हो तो बोरिंग रोड का सारा पेट्रोल पंप का देख लो, स्टडी कर लो, बात खत्म करो, आगे कुछ नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ बोरिंग रोड पे ही पूरा पटना डिपेंडेंट नहीं है ना, है क्या? नो मैम।
तो फिर आपका स्टडी जो होगा वो ज्यादा रिलायबल नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे जो बेस्ड होता है वो ज्यादा रिलायबल मेथड है, वो ज्यादा रिलायबल एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. बट कभी कभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी यूजफुल हो सकता है, होता है, बट उस पर आप ज्यादा रिलायबल नहीं करेंगे, उसमें हमेशा रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क रहेगा. चलो नेक्स्ट देखो, डिटरमिनेशन ऑफ सैम्पल साइज. जब आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेना है, सर्टिफाइड लेना है, कौन सा जब स्पेसिफिकेशन सारा कुछ कर लिया, देन आपको ये देखना है कि कितना सैंपल साइज लेंगे. तो इसके लिए जस्ट हम ये बता चुके हैं क्या करना है, टोटल सैंपल में से रैंडम सेलेक्शन ले लो 1, 2, 3, 4, या फिर ये इस पर भी डिपेंड करता है कितना एक्यूरेसी चाहिए तुमको स्टडी में. 1/10 आप जनरली ले सकते हैं और सबसे अच्छा वही होता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम मनी रिसोर्स सब कुछ देने वाले हैं उसमें, इस पे डिपेंड करता है, या फिर आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए आपके स्टडी में, ये टोटली उस पे डिपेंड करेगा. थर्ड है स्पेसिफाई सैम्पलिंग प्लान. सो सैम्पलिंग प्लान स्पेसिफाई करना होगा, कैसे कैसे आप जो सैम्पलिंग करने वाले हो वो इम्प्लीमेंट करने वाले हो. ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन में कौन सा सैम्पलिंग मेथड, वही चीज है जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाता है. नेक्स्ट है, क्योंकि शायद लास्ट है ना, सिलेक्शन ऑफ सैंपल. जो सिलेक्शन आप सैंपल ले रहे हैं, सैंपल्स के बारे में जो डिटेल स्टडी करोगे, ये सब कुछ कब हो रहा है, जब आपने सैंपल्स लिया है उसके पहले की बात है. लास्ट में आप सिलेक्शन कर रहे हो सैंपल का, और जो सैंपल्स ले रहे हैं उसको पूरे डिटेल में सारा डेटा सारा इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं. अब आपका पूरा का पूरा स्टडी डिपेंड करेगा ऑन दैट सेलेक्टेड सैंपल. जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दैट सेलेक्टेड सैंपल. लेकिन जो ये कंक्लूजन निकलेगा दैट इज फॉर टोटल पॉपुलेशन. तुम दो चार पेट्रोल पंप के बारे में स्टडी करोगे, लेकिन तुम जो कंक्लूजन निकालोगे वो पूरे पटना के बारे में निकालोगे. ये मैंने लास्ट डे भी बताया था, आपको स्टडी करना है किसका, सैंपल का, बट आप जो कंक्लूजन देंगे वो किसके बारे में देंगे, पूरे सिटी के बारे में, पूरे पॉपुलेशन के बारे में. जैसे मान लो आप किसी से मिले, सपोज इसका तो बहुत सारा एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे आप बाहर के किसी इंसान से मिलते हैं, जैसे मान लो कोई यूपी के 2-4-10 बंदे से आप मिल रहे हो, क्या करोगे, कैसा है क्या है, बिहेवियर देखे समझे ऑब्जर्व किए, और जो कंक्लूजन निकालोगे वो क्या निकालोगे, पूरे यूपी के बारे में निकालोगे, होगा या नहीं होगा, बताओ, बोलो. यस मैम. यस मैम. तो जो आप स्टडी करते हैं वो बेस्ड होता है सैंपल पे, पर जो आप कंक्लूजन निकालते हैं दैट इज फॉर एंटायर पॉपुलेशन, दैट इज फॉर टारगेट पॉपुलेशन जिसके बारे में आप स्टडी किए थे. पेट्रोल पंप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, 4-5 पेट्रोल पंप ही आप स्टडी कर रहे हो, पर जो कंक्लूजन निकालोगे वो ओवरऑल सेल बताएगा पूरे पटना का. ठीक है, ओवरऑल रिस्पॉन्स बताएगा. जैसे मान लो कॉलेज के, तुम्हारे क्लास के 2-4 बच्चे से कोई बाहर का आदमी मिलता है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो उसके बेसिस पे बोला जाएगा, उन 2-4 के बेसिस पे ही बोला जाएगा कि अच्छे हैं सारे बच्चे, बहुत अच्छे हैं. 2-4 वही सैंपल मिलकर जो बदमाश थे तो पता चला क्या बोला जाएगा, सब बदमाशी है. तो कंक्लूजन किसके बारे में निकालेगा, फॉर द होल क्लास, बट मिलेगा वो हर क्लास के हर स्टूडेंट से नहीं मिला है, मिला है सैंपल से, बट द कंक्लूजन इज फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. ठीक है, बताओ इसमें अब कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया तो. कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया, सत्यम, सोनल, मेरे लिए तो सब पॉइंट नहीं है. रोल नंबर 25. यस मैम. नहीं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए यस, या नहीं प्रॉब्लम है उसके लिए यस. रोल नंबर 25 वाले इसलिए यस. मतलब फिर बताओ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या है जो नहीं समझ में आया. ये भी क्लियर नहीं है, देख रहे हैं. अटेंडेंस के लिए यस सर. अटेंडेंस से क्या क्या अचीव कर लोगे जिंदगी में, सब जगह अटेंडेंस का रिकॉर्ड तो नहीं आता है.
मैम सैंपलिंग यूनिट ठीक है बट स्पेसिफाई दे रहा थोड़ा स्पेसिफिकेशन ऑफ सैंपलिंग यूनिट कहां है स्पेसिफिकेशन ऑफ सैंपलिंग यूनिट स्पेसिफिकेशन नहीं मैम एसीपी स्पेसिफाई सैंपलिंग स्पेसिफाई सैंपलिंग यूनिट देखो स्पेसिफाई सैंपलिंग यूनिट में ये बोल रहा है जैसे क्लास में मान लो मेरे पास टोटल पॉपुलेशन है ठीक है टोटल पॉपुलेशन कितने हैं मान लो तुम्हारे क्लास का ही बात करते हैं चलो ज्यादा लंबा चौड़ा पॉपुलेशन लेने से कोई फायदा नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे नाम रोल नंबर का जो लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है दैट ऑल इज द सैंपलिंग यूनिट यहाँ पे सैंपलिंग यूनिट पूरा पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में से जो हम सेलेक्ट करेंगे वो सैंपलिंग यूनिट बन जाएगा जिस भी मेथड से करें जैसे इसमें थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए ऐसा कर सकते हैं जैसे मान लो डाबर के प्रोडक्ट के सेल की बात करें अब डाबर के प्रोडक्ट का सेल पटना के हर दुकान में हो सकता है हो रहा हो लेकिन हर दुकान से तुम लोगे नहीं लोगे कुछ दुकान का लोगे वो जो कुछ दुकान तुम सेलेक्ट कर रहे हो दैट इज सैंपलिंग यूनिट जो आपने सैंपल जहां से लिया है वो सैंपलिंग यूनिट है और ये तब होता है जब कोई एक पर्सन सैंपल यूनिट में हो सैंपल यूनिट जो है अगर एक होगा तो फिर आप वहां पे नहीं ले रहे पूरा एक शॉप है वो सैंपलिंग यूनिट है आपके पास पूरे शॉप में से जिसका सिलेक्शन कर रहे हो जिस प्रोडक्ट का जो भी टोटल ओवरऑल लोगे वो तुम्हारा सैंपलिंग यूनिट है ठीक है यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट सैंपल्स यू आर टेकिंग हाउ मच सैंपल्स यू आर टेकिंग देन वो साइज में आ जाता है What is that sample? That is sampling unit or you are specifying that as a sampling unit. जो shop आप नहीं लिए, that is not the sampling unit. जो आपने लिया है, that is a sampling unit. ठीक है? यही है हमारा सारा. उसके बाद है types of sampling, sample design. वही हमें देखना है फिर what is the probability sampling, what is non-probability sampling. देन वही है तुम्हारा रैंडम सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग दैट ऑल आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यही एक्चुअल में हमें पढ़ना यही है वो सारे टर्म्स जो स्टेप्स है स्टेप्स को याद रखना क्योंकि कभी कभी उस टर्म्स को डिफाइन करने के लिए बोला दिया जाता है या फिर ये भी है कि उस टर्म का मतलब क्या है वो थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि किस स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए वो टर्म इस्तेमाल किया गया है ठीक है सो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको चलो ठीक है फिर हम लोग नेक्स्ट ही क्लास में करेंगे लेकिन ये पढ़ के रखिएगा व्हाट इज द टाइप ऑफ सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टर्म अभी मैंने बताया है कोई बता सकता है थोड़ा सा लिखा हुआ भी दिख रहा है सामने मैम एवरी यूनिट सिंपल तो लिखा हुआ भी है मैम इस पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसमें आप ईच एंड एवरी पॉपुलेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल चांस दे रहे हैं सेलेक्ट होने का जैसे वही रैंडम नंबर मेथड जो मैंने दिया था सब का नाम रोल नंबर लिख के एक शीट में रख दिया गया किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है सबको चांस इक्वल मिला सब एग्जाम दो सब एग्जाम दे रहे हो सबको इक्वल ऑप्शन मिला अपॉर्चुनिटी मिला ना एग्जाम देने का सेम क्वेश्चन मिला ना सबको आंसर सबको लिखने का जो पढ़ाया गया था सबको सेम कंडीशन सेम सिचुएशन में मिला था एनवायरमेंट भी सेम मिला बट आपका रिजल्ट क्या होता है डिफरेंट आता है मतलब ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी आपको इक्वल मिल रहा है अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जो रिस्पॉन्स रहेगा उस पे डिपेंड करेगा हमारा डिसीजन ठीक है व्हेन यू आर गिविंग ऑल द पॉपुलेशन यूनिट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड देन दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इक्वल चांस सबको नहीं मिलता है ठीक है इक्वल चांस नहीं मिलता जैसे आपके घर में के पड़ोस में अगर पेट्रोल पंप है तो इसमें आपका क्या योगदान है कुछ तो नहीं होगा है क्या लेकिन आपके पड़ोस में है तो आप उसका सिलेक्शन कर ले रहे हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बायसनेस होता है ठीक है अनबायस नहीं होगा यहाँ पे देखो लिखा भी है In non-probability sampling, the unit in the population have unequal chance of being selected as the sampling unit. ठीक है? Unequal chance मिल रहा है. Unequal chance का मतलब ही हो गया क्या?
बायसनेस. दैट मींस आप जब सिलेक्शन कर रहे हैं सैंपल्स का, आप उसमें ही बायसनेस कर रहे हो. देन हो सकता है जो रिजल्ट आए, आउटकम आए, वो भी बायस्ड हो सकता है ना. जब आपको अपॉर्चुनिटी ही कम मिलेगा, देन जो रिजल्ट होगा वो बायसनेस होगा या बायस्ड होगा या नहीं होगा. सो इसलिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऑथेंटिक तरीका है. नॉन प्रोबेबिलिटी में आपको हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा, व्हाई यू हैव डन दिस, व्हाई यू हैव टेकन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. ठीक है, और वो एक्सप्लेनेशन रीजनेबल होना चाहिए, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. तो ये चीज जब भी आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेते हैं किसी भी रिसर्च में, देन यू हैव टू डिफाइन why you have taken this, what is the reason behind that, you have to. और वो जो भी explanation देंगे वो logically सही होना चाहिए, बस कुछ भी बोल देंगे वैसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि कभी कभी हमारे पास वैसे भी reasons होते हैं, लेकिन यहाँ पे specification देना होगा. probability sampling का जो technique है उसमें ये तीन तुम लोगों को पढ़ना है. random sampling, जिसको simple random sampling हम बोल रहे हैं, random sampling जो कि simple random sampling है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्टेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. और इन तो इसमें से दो का मैंने आइडिया दिया है आप लोगों को, रैंडम सैम्पलिंग, स्टेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सिस्टमेटिक अभी मैंने नहीं बताया. तो सबसे बेस्ट माना जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को, जिसको रैंडम सैम्पलिंग लिख रहा है. स्टेटिफाइड ज्यादा यूजफुल होता है कब, जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होता है तब. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. Heterogeneous means there is a variation in the data, variation in population. मतलब variation, जैसे तुम्हारी क्लास में variation है, सब लोगों का graduation में अलग अलग subject, अलग अलग field है, सबकी yes, understanding किसी एक particular subject में एक जैसी तो नहीं हो सकती है. No ma'am. So हम कह सकते हैं ना, अलग अलग bachelor का जो degree है अलग अलग criteria का है, तो there is a heterogeneity in the class. अब उसको हम सब्जेक्ट वाइज अगर डिवाइड करते हैं तो हेट्रोजीनियस अलग अलग ग्रुप होगा, जैसे जिसका ग्रेजुएशन साइंस से हो, जिसका ग्रेजुएशन आर्ट्स से हो, जिसका वोकेशन से हो, तीन क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिए. अब वो जो तीन क्राइटेरिया में डिवाइड किए हैं उसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी हो सकती है, बट यहाँ पे हेट्रोजीनिटी होगी बिकॉज सबका बैकग्राउंड अलग अलग है. सो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को अगर होमोजीनियस में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तब हो सकता है कि वो यूजफुल हो जाता है रैंडम सैंपलिंग के लिए, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस. ठीक है, तब तक आप लोग थोड़ा बहुत इसको पढ़ना, क्वेश्चंस पूछे तो आंसर रिस्पांस कुछ आना चाहिए. यस मैम. चलो ठीक है फिर. अभी मैम हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं. किस तरह के प्रॉब्लम में हो भाई, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया बोलो. कॉलेज हो सकता है मैम, छोड़ सकते हैं हम लोग. अब ये सब कहां से बात आ जाता है. एक सेकंड रुक जाओ. चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके थैंक यू.